मैं एनकाउंटर के खिलाफ था और एनकाउंटर के खिलाफ रहूंगा। जिस तरह अब्बास को, अतीक को और अशरफ को गोली मार दी, आज मैं कह रहा हूं कि अनिल को भी गोली मारना गलत था। आखिर कैसे मारा गया अनिल दुजाना? पुलिस को चकमा देने में माहिर आखिर पुलिस की गोली का शिकार कैसे हो गया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस दुर्दांत अपराधी पर 62 मुकदमे कायम थे, जिसमें से 18 तो मर्डर के मुकदमे थे। इसके अलावा अवैध वसूली, रंगदारी, जमीन कब्जा करना, आर्म्स एक्ट और दूसरे खतरनाक अपराध इसके ऊपर लगे थे। इसके अलावा रासुका और गैंगस्टर एक्ट भी अनिल दुजाना पर लग चुका था। ये वो अपराधी था जिसने अपने समय के खतरनाक गैंगस्टर सुंदर भाटी पर AK-47 से हमला किया। अप्रैल साल 2023 को अनिल दुजाना जेल से रिहा हुआ। जेल से रिहा होने के बाद इसके दिमाग में ये ख्याल जरूर आया होगा कि अभी कोई ऐसी जेल नहीं बनी जो अनिल दुजाना को ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे रख सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इलाके में आतंक का पर्याय बन चुका अनिल दुजाना अपने आखिरी समय में पुलिस के ट्रैप में किस तरह फंसा। जेल से रिहा होने के वक्त जैसे ही अनिल दुजाना जेल के गेट से बाहर निकला, तो बाहर उसके आदमियों की फौज खड़ी थी जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। अनिल दुजाना अपने स्कॉर्पियो में बैठकर आगे के लिए निकल गया। रिहाई के पहले दिन तो उसने आराम किया और दूसरे दिन अपनी आजादी का जश्न मनाया। इसके बाद वो अपने दुश्मन नंबर एक सुंदर भाटी की हत्या की प्लानिंग करने लगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश का माहौल माफिया के लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो गया। खासतौर से 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी के बीच में जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई, उसने तो हर किसी को हैरान करके रख दिया था। इधर दुजाना सुंदर भाटी के लिए फील्डिंग जमाने की कोशिश कर रहा था। वहीं UP STF ने अपने क्षेत्र में कार्यरत 62 ऐसे माफियाओं की लिस्ट तैयार की जो समाज के लिए खतरा बन चुके थे। इनमें से एक नाम अनिल दुजाना का भी था। पुलिस अनिल दुजाना पर पैनी नजर रखे हुए थी। वो अगली गलती करे और फिर उसे पकड़कर दोबारा जेल में बंद कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ विधानसभा में स्पष्ट रूप से कह चुके थे, और फिर वो कह रही है, इसे हाउस कह रही है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। पुलिस अनिल दुजाना की गलती का इंतजार कर रही थी और अनिल ने उन्हें जल्द ही मौका भी दे दिया। पहले अनिल ने एक ही परिवार के दो लोगों की हत्या की। जब वो जेल से छूटकर आया तो परिवार के बाकी लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा था। परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले नए साथियों से हमारा कहना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुलिस के सर्विलांस रूम में एक कॉल आता है और कॉल पर ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अनिल दुजाना दोपहर में बागपत से मुजफ्फरनगर की तरफ जाने वाला है। पुलिस को अनिल दुजाना की लोकेशन ही चाहिए थी। सर्विलांस रूम में जानकारी देने वाला STF का भरोसेमंद मुखबिर था। सटीक जानकारी के बेसिस पर पुलिस की टीम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि अनिल दुजाना बहुत ही खतरनाक हिस्ट्री शीटर था। उसे पकड़ने का मतलब है आमने सामने की फायरिंग का सामना करना। पुलिस की टीम दुजाना की लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। वहीं दुजाना अपने स्कॉर्पियो में बैठकर मेरठ की तरफ निकल गया। उसे मेरठ में अपने किसी आदमी से मिलकर आगे की प्लानिंग के बारे में बात करनी थी। UP STF मेरठ जनपद के एक कच्चानी थाना के पास मौजूद भोला की चाल के करीब अपना मोर्चा बनाए बैठी थी। अनिल दुजाना की गाड़ी को उसी रास्ते से आना था। सफेद रंग की स्कॉर्पियो उस क्षेत्र में जैसे ही भोला की चाल से आगे बढ़ी, वो समझ गई कि अब पुलिस के ट्रैप में वो फंस चुका है। UP STF अपने काफिले के साथ अनिल दुजाना की तरफ बढ़ रही थी और अनिल दुजाना फायरिंग करता हुआ भोला की चाल की तरफ अपनी गाड़ी को लेकर आगे बढ़ जाता है। ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है, साथ ही इस पूरे एरिया में मेरठ का वो बांध भी है जहां बिजली बनती है। इसके अलावा इसे सलवा की चाल भी कहा जाता है और ये एक पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी फेमस है। दुजाना की गाड़ी जंगलों में प्रवेश कर चुकी थी और उसका पीछा करते हुए UP STF भी जंगलों में पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर में जंगलों से जबरदस्त फायरिंग की आवाज आने लगती है और जब फायरिंग की आवाज शांत हुई तो एक व्यक्ति की वहां डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी के आसपास गोली के खाले खोखे पड़े थे, खून बिखरा हुआ था। ये डेड बॉडी गैंगस्टर अनिल दुजाना की थी।
इस एरिया के पुलिस अपर महानिदेशक अमिताभ यश ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अनिल दुजाना पुलिस के रोकने पर रुकने की बजाय अपनी गाड़ी को पुलिस की गाड़ी से टक्कर मारते हुए फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस जवाबी फायरिंग में अनिल दुजाना मारा गया। अनिल दुजाना को लगभग 15 से 20 गोलियां लगी। अनिल दुजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शातिर अपराधी था, जिसके अपराध का डर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक था। लेकिन बीते दिनों यूपी एसटीएफ ने जिस तरीके से अपराधियों पर आर पार की नीति के तहत शिकंजा कसना शुरू किया है, उसने इन अपराधियों के दिल दिमाग में कानून का खौफ भरने का काम किया है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम के साथ साथ इस हत्याकांड में शामिल 4 लोगों के एनकाउंटर भी यूपी एसटीएफ ने किए। अमिताभ यश ने जब से इस क्षेत्र की कमान संभाली है, तभी से यूपी एसटीएफ ज्यादा एक्टिव नजर आने लगी है और अनिल दुजाना का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ की एक और सफलता है। अनिल दुजाना को पुलिस ने साल 2012 में अरेस्ट किया था और तब से लेकर साल 2021 तक वो जेल में रहा। 2021 के जनवरी महीने में अनिल दुजाना 9 साल की जेल की सजा काटकर जमानत पर बाहर निकलता है। इसके बाद जनवरी 2022 में अनिल दुजाना को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके कुछ समय बाद ही एक बार फिर वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन इसके बाद फिर मुकदमों के सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस अनिल दुजाना की तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ की 7 टीमें इस दुर्दांत अपराधी को खोजने में लगी हुई थी। जैसे ही इसकी लोकेशन का पता लगा, एसटीएफ की टीम ने अपना मोर्चा संभाला और दोपहर लगभग 2:26 पर इस खतरनाक अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंतर्गत आने वाले बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला अनिल अपने गांव के नाम से ही जाना जाने लगा। 1970 के दशक में फौज से रिटायर हुआ सुंदर नागर भी दुजाना गांव का रहने वाला था, लेकिन पारिवारिक क्लेश के चलते उसे बंदूक उठानी पड़ी और वो डाकू बन गया। आगे चलकर वो इतना कुख्यात हो गया कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी धमकी दे डाली थी। आगे चलकर पुलिस ने उसका भी एनकाउंटर कर दिया। अनिल दुजाना पर साल 2002 में पहला केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अरबीर पहलवान की हत्या के मामले में अनिल दुजाना का नाम आया। इसके बाद अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार अपराध पर अपराध करता चला गया और उसकी गोली का खौफ उसके दुश्मनों के साथ साथ आम लोगों के मन में भी भरता चला गया। अनिल दुजाना दिन दहाड़े कट्टा लहराकर लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बीच गैंग वॉर का एक लंबा सिलसिला रहा। महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर के बीच की गैंग वॉर का सिलसिला जारी था। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई। सुंदर भाटी और नरेश भाटी सतबीर गुर्जर के ही दो गुर्गे थे। साल 2004 में सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की हत्या कर दी और फिर नरेश भाटी का भाई रामपाल भाटी बदला लेने के लिए मैदान में उतर आया। इसके बाद रणदीप भाटी और अमित कसाना लड़ाई के मैदान में उतरे। इसके बाद अनिल दुजाना इस गैंग वॉर में कूद पड़ा और यहीं से उत्तर प्रदेश के अपराध की दुनिया में उसका नाम चल पड़ा। सुंदर भाटी की हत्या करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बचता चला गया। ये घटना साल 2011 के नवंबर महीने की है, जब साहिबाबाद के भोपुरा में सुंदर भाटी के एक रिश्तेदार के यहाँ शादी पड़ी और यहाँ सुंदर भाटी इस शादी में शामिल होने के लिए आया। इसी शादी में रणदीप भाटी, अमित कसाना और अनिल दुजाना तीनों पहुंचे और AK-47 से तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग में सुंदर भाटी तो बच गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई। इसी ट्रिपल मर्डर के सिलसिले में 2012 में अनिल दुजाना को अरेस्ट किया गया, लेकिन वो जेल में ही रहकर अपने गैंग को ऑपरेट करने लगा। इसके बाद जनवरी 2014 में सुंदर भाटी ने अनिल के घर पर हमला करवाया, जिसमें अनिल दुजाना का भाई जय भगवान मारा गया और अनिल के पिता ने सुंदर भाटी के खिलाफ रिपोर्ट्स दर्ज करवाई। इसके बाद दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी गैंग के आदमी राहुल की हत्या की और जय भगवान की मौत का बदला लिया। तो ये था अनिल दुजाना के आतंक और उसके अंत की कहानी। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।